Assalamualaikum. I am Sanam Rukhsar and working as an AB therapist in Global Special School for Child Development. Today, topic of discussion is anxiety issues in autistic children. So, anxiety is a common comorbidity with autism. तो जो autistic children होते हैं वो different type की anxiety यानी different तरह से experience करते हैं. तो कुछ anxiety issues हैं autistic children के जो मैं आपके साथ share करना चाहूँगी. Like social anxiety. सोशल एंग्जाइटी में क्या होता है कि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनका जो इंटरेक्ट करना होता है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स, अपने दूसरे जहाँ स्कूल सेटिंग्स में जाते हैं वहाँ पे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इंटरेक्ट करना लोगों के साथ. तो इस चीज़ की भी उन्हें क्या होता है कि ये क्या काज करती है जो बच्चे में सोशल एंग्जाइटी. दूसरा आ जाता है सेपरेशन एंग्जाइटी यानी फियर ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट्स. यानी एक तो उनको सेपरेशन एंग्जाइटी इस तरह होती है कि अगर उनके पेरेंट्स से सेपरेट हो रहे हैं तब भी उनकी एंग्जाइटी होती है, या कोई केयर गिवर, तो ये चीज़ क्या कॉज करती है सेपरेशन एंग्जाइटी ऑटिस्टिक चिल्ड्रंस में. नॉर्मली नॉर्मल बच्चों में भी होती है ये चीज़, लेकिन ऑटिस्टिक चिल्ड्रन में क्या होता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है. सेंसरी एंग्जाइटी भी हो सकती है, लाइक जो है बहुत ज़्यादा लाउड नॉइसेस या ब्राइट लाइट्स क्या करते हैं एंग्जाइटी को ट्रिगर करते हैं बच्चे में. रूटीन एंग्जाइटी यानी रूटीन में क्या थोड़ी सी भी उनमें डिस्ट्रप्शन आ जाती है, यानी उनकी डेली लाइफ में थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन आती है, तो क्या होता है कि इसमें बच्चे में एंग्जाइटी कॉज होती है यानी चेंज एंग्जाइटी. और उनको क्या होता है कि डिफ़िकल्ट होता है कोई भी चेंज को अडॉप्ट करना, कोई भी उनके प्लान में, उनके स्केड्यूल में, इन्वायरमेंट में ज़रा सा भी कोई चेंज होगा तो क्या होगा उनमें एंग्जाइटी कॉज होगी. और दूसरा ये कि जैसे अब लाइक बच्चा खाना खा रहा है एक ही टाइप का, लाइक चिकन खा रहा है या इस तरह की कोई चीज़ खा रहा है और उसी में आप थोड़ी सी वेरिएशन करोगे तो बच्चे में क्या हो जाएगी एंग्जाइटी कि बच्चा खाना नहीं खाएगा, क्योंकि उसको थोड़ा सा चेंज भी ऑटिस्टिक बच्चे को थोड़ा सा चेंज भी वो डिफ़िकल्ट लग रहा होता है. दूसरा हमारे पास क्या आता है फियर ऑफ फेलियर, यानी अब उसको ये चीज़ भी होती है कि मैं मेरे से कोई मिस्टेक हो जाएगी, वो कोई इस तरह से भी कोई काम जो है वो नहीं कर पाता. लैक ऑफ कंट्रोल होता है इनमें, ये क्या कॉज करता है ये भी एंग्जाइटी कॉज करता है. फीलिंग ऑफ पावरलेस और अनेबल टू कंट्रोल देयर एनवायरनमेंट कैन लीड द एंग्जाइटी. अच्छा, और नेक्स्ट हम बात करेंगे एंग्जाइटी के साइंस पे. इससे क्या होता है एंग्जाइटी से यानी स्ट्रेस को इंक्रीज करता है बच्चे में, टेंशन को इंक्रीज करता है, अवॉइडेंस बिहेवियर होता है यानी बच्चा हर चीज़ से अवॉइड कर रहा होता है, रिपीटेटिव बिहेवियर्स करता है बच्चा, बच्चे को सोने में डिफ़िकल्टी हो रही होती है, फिजिकल कंप्लेंट्स होती हैं बच्चे की, लाइक बच्चे के सर में दर्द हो रहा है या स्टमक में दर्द हो रहा है. और क्या होता है कि वो सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे होते. दूसरा हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि जो इरिटेबिलिटी होती है, मूड स्विंग्स होते हैं उनमें क्या हो जाता है इजाफा हो रहा होता है, यानी बच्चे के मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं. ये ज़रूरी है बच्चे में एड्रेस करना एंग्जाइटी को, क्योंकि जो एंग्जाइटी होती है वो बच्चे की मेंटल हेल्थ, बच्चे की सोशल रिलेशनशिप्स, डेली जो उसकी फंक्शनिंग होती है उस पर क्या हो रहा होता है बुरा असर पड़ रहा होता है, बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हो रहा होता है. तो कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं इसको कम करने के लिए, लाइक आप सोशल स्किल ट्रेनिंग होती है यानी बच्चे को आप स्कूल भेजें, किसी इस तरह के इंस्टीट्यूट भेजें जहाँ पर उसकी प्रॉपर थेरेपी हो रही हो, या इसकी बच्चे की हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यूज़ करें. उससे भी क्या होता है कि ये चीज़ें कम हो सकती हैं. सेंसरी इंटीग्रेशन टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है और बच्चे को इनकरेज भी आप कर सकते हैं. इससे भी क्या होता है कि ये चीज़ें कम हो जाती हैं बच्चे में. माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं. और बाकी दूसरा आप बच्चे के जो साइकोलॉजिस्ट है, जो उसका थेरेपिस्ट है, आप उससे भी कंसल्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.